अच्छे निजल मार्डर को नमो सच सच्चाई बात करेंगे। अब मुझे हाइड करने के लिए छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी बाइक कर ही चुका हूँ। अक्टूबर 2nd को मैं बाइक डिलीवरी ले चुका हूँ सुजुकी वी स्ट्रॉम SX250 का जम सुजुकी कुंडापुर से। तो पुराना वीडियो भी बना के अपलोड भी कर दिया। सो यही पहली बार मेरा यूट्यूब चैनल में हिंदी में व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑडियंस ज़्यादा रीच करना है। तो पहली अटेम्प्ट है तो देखेंगे कितना तक जाएगा। पुराना वीडियो देखा ही होगा वी स्ट्रॉम SX250 का डिलीवरी वीडियो। सो आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। सो फिर से वही कैमरा से बना रहा हूँ DSLR और GoPro से। सो ये वीडियो कम्प्लीटली होने वाला है मेरा फर्स्ट राइड इम्प्रेशन। सो अब छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है, सब अच्छा ही बात करेंगे। तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तू बाइक खरीद लो ना खरीद लो मुझे क्या फ़र्क पड़ता, पर जो देख रहा है उन लोगों को तो फ़र्क पड़ेगा कि मैं मेरा रिव्यू ओनरशिप रिव्यू पहली राइड रिव्यू कैसा रहेगा वो मैं बता दूंगा। तो जस्ट स्टे ट्यून्ड, हम स्विच करेंगे GoPro व्यू से। 3, 2, 1। हाँ, सो बाइक तो ऐसा दिखता है GoPro एंगल में, और इसका कॉकपिट व्यू भी दिखा देता हूँ मैं। इसको ऐसा चढ़ता है, एडवेंचर #। तो मुझे तो बहुत बढ़िया फील आ रहा है इस बाइक के ऊपर बैठने के बाद। अगर लुक्स के बारे में बाद में बात करेंगे हम, अभी तो बाइक को स्टार्ट करेंगे। लाइक हाउ डज द डिस्प्ले लुक, लोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इट्स अ वेरी फैंसी। जैसा स्टार्ट हुआ तो मुझे बहुत पसंद आ गया। और ये देखो अभी इसमें दी बेस्ट मुझे लगा है, इसमें ब्लूटूथ सपोर्ट कनेक्टिविटी है और मोबाइल माउंट की भी कुछ ज़रूरत नहीं है। ये देखो अब मैं इसको फ़ोन से डायरेक्ट कनेक्ट कर दूँगा, कितना आसानी से हो जाएगा देख लें। अभी पेयरिंग मोड में है, जस्ट सिंपली ओपन द सुजुकी ऐप। ओके, ब्लूटूथ भी ऑन करना है। 8:40 है टाइम आज। सो देखो ऑलरेडी डिटेक्ट हो चुका है, ऑलरेडी कनेक्ट भी हो चुका है। देखो SMS 1 फेसबुक, देखो बस ये सब नोटिफिकेशंस भी दिखाते हैं, जो भी सपोर्ट करते हैं ना वो सब दिखा भी देते हैं यहाँ पे। सो आई हैव ऑल दिस नोटिफिकेशंस एंड आई एम हेडिंग टू, लेट्स जस्ट स्टार्ट द मैप एज वेल। प्लीज चेक द इंटरनेट कनेक्शन। ओके, वाओ, एवरीथिंग इज डिटेक्टेड। वेयर यू वांट टू गो? आई वांट टू गो टू अमीनपुर संगरेड्डी डिस्ट्रिक्ट, अमीनपुर लेक केर। परफेक्ट, सो लेट्स स्टार्ट द डायरेक्शंस रिसेंट। ये देखो नेविगेशन स्टार्ट भी हो चुका है यहाँ पे। कैन यू सी इट? बिग थम्स अप ब्रो, आई लव दिस नेविगेशन। या यू नो समथिंग, ये सब बाद में दिखा दूँगा, रुक। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट द व्हीकल। What a sweet sound, yaar. Suzuki is very durable. Showing the U-turn, it is very accurate, bro. मैं स्पोर्ट कैटेगरी बाइक से आया हूँ ना, लाइक माई प्रीवियस बाइक वॉज RS 200, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली आई जम्प्ड टू द हॉर्स। देखो नेविगेशन, देखो एग्जैक्ट एंड एक्यूरेटली दिखा रहा है। अभी 250 मीटर्स में मुझे लेफ्ट लेना है। ओके, आई नो द रूट, बट मैं आपके लिए दिखाने के लिए लगाया हूँ, जस्ट फॉर इलस्ट्रेशन पर्पस। ए ओके, सो 20 मीटर्स, 15 मीटर्स, ओके, जस्ट 5 मीटर्स का कुछ आपको फर्क है। 5 मीटर्स में आने के बाद भी फिर 5 मीटर्स दिखा रहा था, सो दैट कुड बी एन इश्यू।
ओके 30 मीटर्स 15 मीटर्स सो गाइज बाय द वे मेरे चैनल को आप कभी देखा नहीं है तो विष्णु रेड्डी व्लॉग्स नाम कभी सुना नहीं है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करो. अभी मेरा 1000 सब्सक्राइबर्स होने वाला ही है. ओके आई एम ट्राइंग टू डू माय बेस्ट फॉर द वीडियोस. अभी जाके सब्सक्राइब करो. अब से हिंदी में बनेगा वीडियोस क्योंकि आई जस्ट वांट टू रीच मोर पीपल मोर ऑडियंस क्योंकि हर एक इंसान का पर्सपेक्टिव मैटर करता है यूट्यूब में. सो व्लॉगर्स लाइक मी जो सब सच ही बोल रहे हैं लाइक व्हाट आई फील मैं बोल देता हूँ डायरेक्ट. कुछ छुपाने की भी ज़रूरत ही नहीं हमको. क्या फ़र्क पड़ता है हमको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता तो डायरेक्ट लगा देते हैं हम वीडियोस. पहले हम बात करेंगे प्रोस को लेके. सी बाइक का प्रोस के बारे में बात कर लेंगे पहले उसके बाद कॉन्स को ये पर डिस्कस करेंगे. सो पहली चीज़ मैंने यही नोटिस किया ये स्पीड ब्रेकर देखो आसानी से चला गया बाइक तो सामने एक कार जा रहा था ठीक है तो मुझे स्पीड ब्रेकर दिखा नहीं तो मैं डायरेक्टली ग्लाइड हो गया विदाउट ब्रेकिंग. तो मैं आई रियलाइज दैट इट इज जस्ट ग्लाइडिंग. सो एक चीज़ आपको बताना है ये सस्पेंशन जो है सिर्फ और सिर्फ जिक्सर इंजन का है जिक्सर स्ट्रीट फाइटर. सो उस बाइक का एग्जैक्ट सस्पेंशन यहाँ पे लगा दिया इस बाइक में. नो ट्रैवल सस्पेंशन इंक्रीज पीछे सस्पेंशन भी वही है बट देर इज अ बट हियर. सो द बट हियर इज सामने का टायर यू नो इट्स 19-inch व्हील. सो उससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई आप पूछ सकते हैं. सो लेट्स से इफ देर इज अ बिग पिट और एनीथिंग हियर लाइक बड़ा गड्ढा आ गया सामने तुम्हारा तो अगर छोटा व्हील रहता है ना क्या होता है तो व्हील पूरा अंदर घुस जाता है. तो बड़ा व्हील होने की फ़ायदा ये है तो छोटा छोटा गड्ढे रहता है ना देखो ऐसा तो ये टायर की वजह से आसानी से ग्लाइड होकर चले जाता है. ओके वन मोर थिंग आई नोटिस हियर इज सामने का सस्पेंशन इज़ वेरी गुड लाइक मुझे कुछ लाइक आई एम फील वेरी कॉन्फिडेंट बट पीछे का जो सस्पेंशन है ना इट इज़ डेफिनेटली हार्ड. नाइस मुझे देखो ऐसा ब्रेक दबाने की भी ज़रूरत भी नहीं पड़ रहा तो देख रहे हो ना मैं ब्रेक से हाथ ही टच नहीं कर रहा हूँ. सो दैट इज़ डेफिनेटली आई लव्ड इट. सस्पेंशन इज गुड एंड द डिस्प्ले इज़ वेरी ब्राइट. अभी तो ऊपर कुछ कवर जैसा लगा हुआ है तो निकलने के बाद ना बढ़िया दिखता है डिस्प्ले. तो मैंने टेस्ट ड्राइव किया था व्हीकल एंड देखो मैन्यूवरिंग यार दिस इज़ लवली यू नो. नज़ारा देखो सुबह सुबह का एंड द वाइजर इज़ ऑल्सो वेरी प्रोटेक्टिव. वन मोर थिंग मुझे हवा यहाँ तक कुछ हवा नहीं आ रहा तो यहाँ पे रखूँगा तो यहाँ तक हवा नहीं आ रहा बट ऊपर फेस हेलमेट के ऊपर तो लग रहा है. तो उसका सिंपल सा सोल्यूशन है विल हैव दिस एक्सटेंडर्स. ओके वाइजर का एक्सटेंडर्स मिल जाता है वो लगा देते हैं बट स्टिल यू नो समथिंग आई एम प्लानिंग टू पुट द BMW 310 GS का वाइजर इन दिस सून वेरी सून. वो भी अपलोड करूँगा सब कुछ का एक वीडियो बना ही दूंगा इस विस्ट्रॉम का. सो वो भी बढ़िया लगा मुझे तो आई डो दैट जस्ट वेट. आई ऑल्सो वॉन्ट टू शो यू द ओवरटेकिंग पावर ऑफ इट. देखो अभी बाइक पूरा खुला नहीं है. आई एम जस्ट 26 किलोमीटर सा कितना चलाऊँ मैं 56 किलोमीटर चलाऊँ. ओके यू वॉन्ट सी द पावर इफ आई ओवरटेक ना दिस गॉट एम्पल पावर यार. 250 cc जिक्सर स्पोर्ट्स बाइक का इंजन इसमें डाल दिया. एडवेंचर बाइक में स्पोर्ट्स बाइक का इंजन डाल दिया तो कैसा भागता है गाड़ी. बस हो गया ओवरटेक 2 सेकेंड भी नहीं लगा बट मुझे मैं ज़्यादा मार नहीं रहा हूँ गाड़ी को क्योंकि अभी खुला नहीं है. बस अभी छोटा बेबी है बस दूध पीने वाला बच्चा ही है तो अभी थोड़ा टाइम दे देंगे इसको. एक बार इंजेक्शन वगैरह कुछ करा देंगे शोरूम में सर्विसिंग सेंटर में. देखो फोर्थ गियर में मैं 30 स्पीड पे था भाई. दिस इज़ वन मोर बिगेस्ट एडवांटेज आई वॉन्ट टॉक. इट गॉट अ लीनियर पावर एवरीवेयर. ओके जो फोर्थ गियर में मैं 30 स्पीड में जा रहा हूँ भाई और ऐसा पुल करने से चले जाता निकल जाता है गाड़ी. क्या ही बताऊँ यार दिस इज़ द बेस्ट बाइक विच रन्स इन सिटी इन ट्रैफिक विदाउट इवन टचिंग द गियर रॉड विथ योर लेग और वेरी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग यार व्हेन यू आर इन टर्निंग और व्हेन यू आर गोइंग इन लाइक दिस ड्राई डर्ट देन ऑल्सो इट सपोर्ट्स यू अ लॉट. बटन टायर इतना बड़ा बड़ा बटन है इसका टायर को.
कुत्ता देखो आ गया हम नेविगेशन के हिसाब से भी जहाँ पे जाना है वहाँ पे आ गए हम। तो हमने बात किया रोड के बारे में, अब थोड़ा बात कर ही लेंगे ऑफ रोड के बारे में। हम जाएंगे इस तरफ जहाँ पे पूरा ब्लैक ब्लैक बफलोस आर गोइंग, विल टेक दिस येलो बफलो इनसाइड। ऐ ऐ ऐ मुझे क्यों रोकना है भाई तुमको, मुझे तो जाने दो। ऑफ रोडिंग हो रहा है यहाँ पे हमारा थोड़ा, ये सब वॉक कर रहे हैं ऑन रोड और हम मुझे ऑफ रोड पे छोड़ दिया ये सब। तो मैं तो चले जाऊंगा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे पास है थोड़ा ऑफ रोडिंग भी करने वाला मशीन भाई। इट्स जंपिंग ऑल अराउंड, ओ आई कैन फील इट यार, द सस्पेंशन इज नॉट दैट गुड बट ये निकल जाएगा आराम से, यू डोंट नीड टू वरी। थोड़ा बम्प्स को फेस करना ही पड़ेगा गाड़ी से बट देखो इट्स जस्ट राइडिंग। अभी मैं देखूंगा, देखो डेस्टिनेशन पहुंच गया तो ऐसा डॉट दिखा रहा है बीच में, फाइन। अभी मैं खड़े होकर थोड़ा सैडलिंग भी करूंगा, लेट्स सी हाउ आई फील इट। मेरा हाइट है 5.7, ओके लुक्स गुड टिल नाउ, एवरीथिंग इज फाइन, आई लाइक इट। ओह इट्स गोइंग वेरी गुड यार, बस थोड़ा हैंडल बार ऊपर रहेगा तो और मज़ा आ जाता भाई, बट वी हैव अ सॉल्यूशन फॉर दैट हैंडल बार रेजर्स। नाइस यार आई रीच द डेस्टिनेशन, जस्ट ग्लाइडेड ओवर एवरीवेयर। बढ़िया, गाइस हाउ डू यू फील कमेंट सेक्शन में बता दो मुझे। अब थोड़ा इसका लुक्स के बारे में भी बात करेंगे, दैट इज द बिगेस्ट कॉन आई वांट टू टॉक अबाउट। गाड़ी कहाँ पार्क करेंगे कहीं पे तो एक जगह पे, एंड गेट डाउन एंड सी द व्यू। वाह लुक्स सो कूल यार, एक इंस्टाग्राम पिक तो बनता है। बाय द वे गाइस डू फॉलो मी ऑन इन माय इंस्टाग्राम चैनल विष्णु रेडी व्लॉग्स। क्या ही नजारा है भाई, आई लव इट। बाइक को देखने पहले, बाइक को देखने के पहले एक बार नजारा तो देख लीजिए। ये है मेरा घर के पास ही है, बस आई डोंट नो हाउ मेनी किलोमीटर्स आई कैन, बट इट्स वेरी नियर, बातें करते करते आ जा सकते हैं। बिग लेक यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट होके जब मैं आया था ना जहाँ पे बफेलोस था वहाँ तक है, उतना बड़ा लेक है। नाइस ना, एंड लुक द व्यू विद बाइक, क्या अट्रैक्टिव है यार ये कलर तो, बढ़िया मजा आ जाता है मुझे देखने के बाद। व्हाट अ बाइक यार, चुप परफेक्ट। सो गाइस अभी हम बात करेंगे थोड़ा बाइक के लुक्स के बारे में भी। सो सामने से देखो एक बार नजारा बाइक का, विस्टोम एसएक्स कितनी प्यारी लग रही है एक्सेप्ट फॉर दिस हेडलाइट। हाँ मैं बता रहा हूँ मुझे, एज ऑफ मी आई डोंट लाइक दिस हेडलाइट, क्योंकि ये जिक्सर का नेकेड वर्जन ऑफ हेडलाइट डाल दिया। अरे यार कुछ नया बाइक डिजाइन कर रही हो तो नया नया सोच के डाल दो ना, एडवेंचर बाइक है थोड़ा एडवेंचर ग्रंडी लुक दे दो बाइक का। सो सामने भी नहीं पीछे भी वैसे ही टेल लाइट भी लगा दिया उसको। सो जस्ट लुक एट द बाइक डायरेक्टली, आप देख सकते हो, आप देख सकते हो कि बाइक कितनी प्यारा है, प्रॉपर एडवेंचर लुक्स तो दे रहा है साइड एंगल से, साइड प्रोफाइल से देखो, लाइक इट गॉट द ग्राफिक्स आर इंटीग्रेटेड कम्प्लीटली। सुजुकी SX 250 वीस्टॉम SX, SX 250 या दैट इज द नेम, SX 250 वीस्टॉम SX 250। एंड यू नो व्हाट, दिस इज नॉट लिक्विड गोल्ड, ओके देर इज अ स्मॉल रेडिएटर ओवर देयर दैट इज कॉल्ड सुजुकी ऑयलिंग
सुजुकी ऑयल कूलिंग सिस्टम SOCS. सो बट आई नेवर फेस्ड एन इश्यू. मैं शोरूम से घर आ रहा था और बहुत ट्रैफिक था. संडे के दिन था, ऑब्वियसली हैदराबाद में बहुत ट्रैफिक रहेगा. बट आई नेवर फेल्ट हीट ऑन माई लेग्स. घर जाने के बाद भी इंजन टच किया, कुछ गर्म नहीं हुआ. लाइक दैट इज वॉट सुजुकी यमहा एंड होंडा. इफ यू वांट टू कंपेयर इट लुक वाइज, दिस गिव्स इक्वल कॉम्पिटिशन टू G310GS, हिमालयन, ESD एडवेंचर एंड KTM एडवेंचर 390 और 250. सबके साथ इक्वली है बिकॉज ऑफ इट लॉन्ग टायर्स 19 एंड 17. द बाइक गेट्स अ लिटिल हायर, सो यू कैन लुक हाउ बिग इट इज. लुक्स वेरी ह्यूज यार. मुझे कमेंट्स में बता दो आपको कौन सी बाइक पसंद आया है. लाइक लुक वाइज में कौन सी बहुत बेटर लगा है. मुझे तो ये बहुत पसंद आया. 250cc है पर लगता कभी नहीं है 250cc का है. ओके, दिस इज द थिंग आई लव. इंजन का साइज देखो भाई, कहीं से फील होता है कि 250cc का इंजन है. लुक वाइज इट इज अ किलर. 100% अट्रैक्शन है रोड में. जो भी उसको देखता है ना, उसको देखते रहता है. मार्केट में नया भी है, सो दैट इज ऑल्सो वन रीजन. साइड प्रोफाइल हो गया, फ्रंट प्रोफाइल हो गया, वाइजर के लिए भी बात कर लिया हमने. अरे यार, कौन सी जनरेशन में जी रहे यार. 2022 है ये, 2023 आ रहा है. ये क्या है भाई, ये इंडिकेटर्स कौन देता है भाई. क्या क्या ही फ़ायदा है ये सब. अगर तुमको फ्लैशर भी लगाना है ना, तो कुछ इफेक्टिव नहीं है. तुमको क्या चाहिए बे. बाइक बाइक पसंद आ गया क्या. बाइक नचे ना. माई बाइक, माई न्यू बाइक. ओके नोपो, यू कैन गो. आई डोंट डिस्टर्ब मी. चू. सो अभी हम जाते हैं रेयर सेक्शन में. ये भी मुझे इतना पसंद नहीं आया ब्रो. दिस टेल लाइट यार, आई वांट समथिंग लाइक रगड़ यार. बड़ा दिखना चाहिए मुझे. सामने से गाड़ी इतना बड़ा दिख रहा है और पीछे से एक बार देख लो, स्लीक. और अगर टॉप बॉक्स लगा दिया तो जबरदस्त एकदम लगेगा गाड़ी. अब लोगों को एक पॉइंट बताना है. हर यूट्यूबर आप क्या करते हैं मालूम, बाइक कहीं से कहीं टेस्ट ड्राइव पर लेके जाते हैं, वीडियो बना देते हैं और बोलते हैं ये है वो है वो है. तो मैं ऑलरेडी 60 किलोमीटर चला चुका हूँ गाड़ी लेते हुए. सो इट इज़ एग्जैक्टली द फर्स्ट इंप्रेशन यू कैन टेल. सो या जो भी मैं कुछ बता रहा हूँ ना, वो सब मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन बता सकते हो. सो देखते रहिए. सब्सक्राइब तो कर लीजिए भाई. सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो, काउंट बढ़ा दो, व्यूज़ दे दो मुझे. थोड़ा लाइक कर दो. व्यू देखने के बाद लाइक नहीं करता, लाइक कर दो भाई. और इसमें लकी पॉइंट एक है, सीट के पीछे ग्रैब रेल है और द सैडल स्टे और टॉप रैक जो है ना, बहुत बढ़िया है. लाइक यू कैन डायरेक्टली फिट दिस फोर स्क्रूज विद द टॉप बॉक्स व्हिच यू आर फिटिंग. ओके, यहाँ पे तो लिखा है 6 kgs, पर मुझे लगता नहीं है. मैं यहाँ पे पूरा वजन डाल दिया मेरा एंड इट टुक द इम्पैक्ट यार. कुछ नहीं हुआ. आई डोंट नो व्हाट दैट मीन. किसी को पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो. मुझे तो पता नहीं 6 kgs क्यों लिखा है. हम लगेज कैरी करते एटलीस्ट 20 kgs ईजिली. टॉप बॉक्स रहता है तो टॉप बॉक्स पूरा लोड कर दिया तो 20 kgs ईजिली बन जाता है भाई. टॉप बॉक्स अलोन विल वेट मच दैन 6 kgs, मोर देन 6 kgs. सो आफ्टर टॉकिंग ऑल दिस, मुझे आपको सीट भी दिखाना है. हेलमेट भाई तू इधर आ जा. ओके, ये सीट देखो. पहले पिलियन के सीट के बारे में बात करेंगे. मेरा हाथ यहाँ रख दिया क्योंकि मेरा R15 V3 डोमिनार, वो सब सीट इतना से इतना रहता है मोस्टली. एंड ये देखो भाई, मेरा हाथ आ गया, 1.5 हाथ. हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, पर तेलुगु में हम टिक्की बोलते हैं इसको. ये देखो भाई कितना स्पेस है यहाँ पे. हाँ, दिस इज माई फोन, तो मैं रख दूंगा. इट फिट. एंड नीचे देखो और भी स्पेस है यहाँ पे. यहाँ पे भी ऐसा रख सकते हैं तुम्हारी फोन. नाइस ना, दिस इज वेरी गुड. ओके, और एक फर्स्ट एड किट भी दे दिया इन लोगों ने. टूल किट वगैरह कुछ भी नहीं दिया मुझे. एक फर्स्ट एड किट है यहाँ पे सुजुकी का. एंड चलो इसको लगा देते हैं. देखो यार कितना बड़ा सीट है. बढ़िया, वन हैंड ऑपरेशन, सब वन हैंड ऑपरेशन कर रहा हूँ मैं. हो गया, इजी है. थोड़ा यहाँ पे दोनों बिठाना है और प्रेस करना है. और ये सीट थोड़ा हार्ड है. ओके, बट दिस इज़ वेरी सॉफ्ट यार. बहुत कंफर्टेबल व्हीकल है. आपने तो डिस्प्ले भी देख लिया. एंड व्हाट एल्स डू यू वांट टू सी. ये हैंडल देखो, वाइड हैंडल बार यार, इतनी वाइड है. एंड ये नकल गार्ड्स उन लोगों ने ऑलरेडी दे दिया है, लाइक हैंड प्रोटेक्टर्स, वेरी गुड क्वालिटी.
लव इट। एंड ये बटन्स का भी क्वालिटी बहुत अच्छा लगा है, देखने में तो रोम बेसिक लग रहा है मुझे, बट यूज़ करने में बहुत बढ़िया है। इंडिकेशन भी, इंडिकेटर भी, सब बढ़िया। लाइक मुझे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स नहीं दिखा भाई इस बाइक में। ये एक मैंने बोल दिया जो सस्पेंशन है, बट स्टिल द टायर्स आर बिग एनफ। एंड एक मुझे लगा ये इंडिकेटर्स अच्छा नहीं लगा मुझे, इंडिकेटर सच बोल रहा हूँ। और ये एग्जॉस्ट देखो, दिस इज द स्मॉलेस्ट एग्जॉस्ट फॉर एन एडवेंचर, बट वेरी गुड यार। बेस भी है इसमें और अच्छे मफलर साउंड भी है, सो आई लव इट। ये तो मुझे पसंद आ गया, क्योंकि नीचे ही होना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पे वो लगा रहा हूँ, रेनॉक्स का बैग्स लगा रहा हूँ बढ़ा सा, सो नीचे रहना अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। और मुझे ये चीज़ क्यों लगाते हैं सारी सारी गर्ड, सो मैं ये रिमूव कर दे रहा हूँ। एक दो तीन, तीन स्क्रूज निकालने से हट जाएगा ये, सो इससे लुक और बढ़ जाएगा बाइक का। सो व्हाट डू यू से, हाउ डू यू फील अबाउट इट, इग्नोर माय मैसेज हियर। सो कैसा लगा भाई बाइक, आप लोगों को, आप लोग बताओ। कंपैरिजन करने से इस बाइक है 250 cc, एंड इफ यू आर गोइंग टू कंपेयर विद एडवेंचर 250, वीडियो भी आएगा हमारे चैनल में जल्दी, बट बेसिक पॉइंट्स बता देता हूँ। एडवेंचर 250 से ज़्यादा ही ऑफ रोडिंग कर सकते हो, लाइक एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग कर सकते हो, क्योंकि इसका सस्पेंशन अच्छा है, ट्रैवल सस्पेंशन भी बढ़िया है। बट इफ़ यू वॉन्ट समथिंग लाइक स्मूथ एंड ईजी ऑन बजट एंड मेंटेनेंस लो, यू कैन कंसिडर दिस सुजुकी वीस्ट्रॉम SX250। इसमें नेविगेशन भी दिया हुआ है, और क्या चाहिए, अच्छा बाइक है यार, बहुत अच्छा लगा रहा है मुझे तो। लाइक KTM कॉमन हो गया आजकल, तो सुजुकी में नया लॉन्च कर दिया, तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट आउट, एक बार चेक कर लो, टेस्ट राइड कर लो दोनों। उसमें तो पावर इनिशियली ज़्यादा है, इसमें थ्रू आउट पावर ज़्यादा है। और एक चीज़ बता रहा हूँ, बाइक लेने के बाद सिटीज़ में भी राइड करते हो, तो इफ़ यू आर गोइंग टू टेक दिस बाइक, यू आर नेवर गोना फेस इश्यूज विद द गियरिंग। एक ही गियर में चला जा सकते हो, तो थर्ड गियर डालो, निकल सकते हो सिटी में आराम से। KTM ऐसा नहीं, हर बार यू हैव टू कीप ऑन स्विचिंग द गियर्स, ओके, शॉर्ट है ना, शॉर्ट गियरिंग है उसका, तो वो है एक इश्यू। इस बाइक में वो कुछ भी नहीं है यार, इट इज़ लाइक फन टू राइड एंड प्लेजर यार, यू कैन गो पीसफुली। वो हो रहा था ना, आई डोंट वांट पीस, आई वांट प्रॉब्लम्स ऑलवेज, आई डोंट वांट पीस, आई वांट प्रॉब्लम्स ऑलवेज। सो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, यू कैन एंजॉय, लाइक रियलिटी बात करेंगे तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, यू कैन एंजॉय द बाइक। और एक चीज मैंने नोटिस किया, ये टैंक बॉक्स लीक है यार, मुझे थोड़ा बड़ा टैंक चाहिए था। इसमें बस 13 लीटर का फ्यूल टैंक दिया हुआ है, और ज़्यादा दे सकते हैं, दैट इज़ व्हाट आई फेल्ट लिटिल बैड। बड़ा टैंक है तो बड़ा किलोमीटर जा सकते हैं बढ़िया, अभी नो फ्रीक्वेंट व्हाट यू से दैट फ्यूल ब्रेक्स, सो दैट इज़ वन आई डिडंट लाइक। वन मोर थिंग, एंड ये प्रोटेक्टर्स मुझे बहुत पसंद आ गया, ये देखो सस्पेंशन के लिए थोड़ा प्रोटेक्शन दे रहा है। यहाँ पे तो बीक है हाइड करने के लिए, और थोड़ा कुछ जाने के लिए भी नहीं होगा और हर्ट नहीं होगा इसको, सो आई लाइक दैट। एंड इसका डिस्क देख भाई, कितनी बड़ा डिस्क दे दिया, वेरी गुड ना, आई लव इट। और एक चीज़ इसमें बहुत अच्छा लगा यार, जब भी ABS क्लिक होता है ना, लाइक पीछे का ब्रेक दबाता हूँ और ABS हिट होता है, सामने से कुछ साउंड आता है किस बोल के, आई लाइक इट, इट्स लाइक पंपिंग द ब्रेक्स आउट फ्रॉम योर लेग, सो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। फील लाइक छोटी छोटी चीज़ें है जो कोई नोटिस नहीं करता, पर मैं नोटिस करता हूँ, विश्वनेटिव ब्लॉग्स इज हियर, मैंने नोटिस किया, बहुत बढ़िया लगा। जब इफ़ यू आर गोइंग टू टेस्ट ड्राइव, जस्ट ब्रेक दबा दो, जोर से दबा दो, कोई बात नहीं, तो क्या होगा ना, सामने से कुछ किसका आवाज़ आएगा, लाइक पंपिंग बुश्क ऐसा, वो बहुत अच्छा लगा मुझे साउंड को। और एक बढ़िया पॉइंट, प्लस पॉइंट, चार्जर भी दे दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे कंपेनियन मिल गया भाई साहब, तो क्या कर रहा है मेरा बाइक के ऊपर, व्हाट यू वांट ब्रो, यहाँ आ जाओ मेरे हाथ में, नो 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 नो, डोंट गो इनसाइड ब्रो, यू विल बी वेरी सैड इफ यू गो इनसाइड, फॉल डाउन फॉल डाउन फॉल डाउन, नाइस, बाय बाय गाइस, आई गेस दिस इज इट। आपने ये व्लॉग एंजॉय किया होगा, आई एम श्योर दैट यू हैव एंजॉयड, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बात कर लिया। इफ यू फील दैट आई मिस समथिंग, यू कैन डायरेक्टली पिंग मी ऑन माय इंस्टाग्राम चैनल विष्णु रेड्डी व्लॉग्स और विष्णु रेड्डी रील्स, दोनों मेरे इंस्टाग्राम पेजेस हैं। और यू कैन ऑल्सो कमेंट ऑन माई यूट्यूब ओनली डायरेक्टली, आई डेफिनेटली आंसर यूर एवरी सिंगल क्वेश्चन, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, यू नो द नेम विष्णु रेड्डी व्लॉग्स, कीप इन टच विथ मी। और नया नया वीडियोस आने वाले हैं, मॉडिफिकेशन वीडियोस आने वाला है, आप लोगों को पता है, आप एक बार मेरा इंस्टाग्राम चेक कर लो, मैं डोमिनर को कितना मॉडिफाई कर दिया, मेरे पास डोमिनर था, सो लेते ही मेरा पूरा मॉडिफिकेशन धन 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 कर लिया,
सो अभी ये बाइक भी लिया एंड यू नो वट आई विल बी मॉडिफाइंग दिस बाइक फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी लाइक ए टू जेड सब कर लूँगा. तो जस्ट स्टे ट्यून्ड, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो, नीचे बस छोटा लाइक बटन है भाई दबा दो, इस तरफ या इस तरफ किसी तरफ सो कर दो और कमेंट कर दो एक छोटा सा, जस्ट गेट मी मोर एंगेजमेंट, जिससे मेरा नाम भी बढ़ेगा, आप लोगों को भी फ़ायदा होगा. सो सी यू ऑन द नेक्स्ट वन, अंटिल देन कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल.